हाय, वंस अगेन आई एम अनिल कुमार यादव और आप देख रहे हैं चैनल कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन डॉट कॉम। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह बताऊंगा कि हम www.education.maharashtra.gov.in की साइट पर जाकर बेसलाइन का जो मार्क्स है उसे कैसे, उसकी एक्सेल फाइल कैसे अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद हम उसमें जो भी मार्क्स है कैसे फिल करके हम उसकी कैसे CSV कॉमा डिलिमिटेड फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय महाराष्ट्र में बेसलाइन का जो भी बेसलाइन का एग्जाम हुआ अभी बिफोर दिवाली, तो उसका जो मार्क्स है वो आपको कैसे, मतलब उसके मार्क्स जो भी है आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, वो भी 20 नवंबर तक इसकी डेडलाइन दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए। आप अपना ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल ओपन कीजिए। गूगल में आप अपने साइट का नाम डाल दीजिए education.maharashtra.gov.in, और यहाँ पर जो स्कूल का लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो विद्यार्थी दिया हुआ है, विद्यार्थी, आप उसे विद्यार्थी के लिंक पर क्लिक कीजिए। विद्यार्थी के लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूजर लॉगिन दिया हुआ है। यूजर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर हेडमास्टर रोल पे क्लिक कीजिए। मीन सबका जो भी सिलेक्ट रोल है उसे क्लिक करके हेडमास्टर पे क्लिक कीजिए, और आप अपने स्कूल का UDAS नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए, और यहाँ पर आप अपना जो भी पासवर्ड है वो फिल कीजिए। और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से चौथे नंबर पर एक्सेल का जो टैब दिया हुआ है, तो उसके नीचे ऊपर से थर्ड लाइन पर आप देखेंगे कि डाउनलोड बेसलाइन एंड समेटिव वन, और यहाँ पर अपलोड बेसलाइन एंड समेटिव वन। तो यहाँ पर डाउनलोड बेसलाइन एंड समेटिव वन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम टाइप, तो यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है और बेसलाइन एंड समेटिव, और यहाँ पर आप अपना स्टैंडर्ड चूज कीजिए। तो जैसा कि मैं अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड का की एक्सेल फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ, और यहाँ पर डिवीजन, तो भी जो भी आपका डिवीजन है 1, 2, 3 आप उसे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका डिवीजन 1 का डाउनलोड करना चाहते हैं तो 1 पे क्लिक कीजिए, 2 का है तो 2 पे, और यहाँ पर 1 से, और वह आपको शॉर्टिंग में किस प्रकार से आपको चाहिए, अल्फाबेटिकली चाहिए कि जेंडर। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से कि आप अगर आप जेंडर पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो यह आपके लिए काफी आसानी होगी फॉर्म फिल करने में, क्योंकि आपके जो स्कूल के स्टूडेंट कैटलॉग होते हैं आप उस पर भी पहले गर्ल्स का नाम लिखते हो, उसके बाद बॉयज का नाम लिखते हो। तो फिर आपको यह जेंडर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो अल्फाबेटिकली, अगर आपको सुटेबल हो तो आप अल्फाबेटिकली भी डाउनलोड कर सकते हो, बट उसमें मिक्स हो जाएगा आपका, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिक्स हो जाएंगे A to Z तक। तो यहाँ पर मेरे लिए तो यह सुविधा होगी जेंडर पे क्लिक करके डाउनलोड। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड फाइल पे क्लिक करूंगा, तो डाउनलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर मैं शो ऑल पे करके शो इन फोल्डर पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ये देखिए, यह मेरे स्टैंडर्ड फर्स्ट की फर्स्ट डिविजन की जो फाइल है वह डाउनलोड हो गई है। तो आप इसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड डिविजन की कीजिए, और इसी प्रकार से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो जहाँ तक आपका स्टैंडर्ड है वह आप डाउनलोड कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर आप इसे जो भी एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है आप उसे ओपन करके यहाँ पर यस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका इस प्रकार से एक्सेल पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन आप ऊपर से इनेबल एडिटिंग करना ना भूलिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आपके मार्क्स फिल नहीं होंगे और सेव नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी जेंडर वाइज है, यहाँ पर पहले फीमेल मीन्स लड़कियों के नाम, फिर उसके नीचे लड़कियों के नाम, और यह भी अल्फाबेटिकली है, बट लड़कों के अल्फाबेटिकली अलग, लड़कियों के अल्फाबेटिकली अलग। तो यह आपको काफी अच्छा होगा फील करने में। और आप क्या कीजिए, सबसे बेस्ट आइडिया, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए, और प्रिंट निकालने के बाद आप इस फाइल का नाम भी चेंज मत कीजिए। जैसा कि इस फाइल का नाम है exam2712154701-01-01-2016, तो आप इस फाइल का नाम किसी भी प्रकार से इसको रीनेम न कीजिए, नहीं तो यह फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी।
और यहाँ पर देखने की फर्स्ट लैंग्वेज बेसलाइन मैथमेटिक, और यहाँ पर मैथमेटिक बेसलाइन, तो यहाँ पर जो भी उसका मैक्सिमम मार्क्स है 30 है, और यहाँ पर प्रेजेंटेशन नो लिखा हुआ है सब, ये वो आप इसे एडिट नहीं कर सकते, ये लॉक किया हुआ है, ये देखिए जो भी ये सेल्स है वो लॉक किए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको फील करना है, ये इस एरिया में आपको फील करना है, तो आपको जैसे कि किसी, अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टूडेंट है, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, मीन्स उसको 30 out of 40, सॉरी उसको 30 out of 14 मिला है, और यहाँ पर मैथ्स में उसको 30 out of, तो जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, उसको फर्स्ट लैंग्वेज में 30 out of कितना मिला है, मान लीजिए 25 मिला है, और मैथ्स में कितना मिला है 30 out of, यहाँ पर भी उसे 26 मिला है, और फॉर एग्जाम्पल हम सेकेंड स्टूडेंट की ओर आते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यह स्टूडेंट यहाँ पर, हाँ तो मान लीजिए यह स्टूडेंट ये यहाँ पर एबसेंट है, तो यहाँ पर जो यस वाई लिखा हुआ है प्रेजेंट, प्रेजेंट वाई का मतलब कि यस, तो यहाँ पर जैसे इस स्टूडेंट को 25 नंबर मिला है, तो यह प्रेजेंट है मीन्स वाई, अगर ये जो सेकंड नंबर की स्टूडेंट है यह एग्जाम में एबसेंट थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कैपिटल में एन फिल कर देंगे, और वो अगर मैथ्स में भी एबसेंट है तो यहाँ पर भी एन फिल कर देंगे, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी मार्क्स का कॉलम है ना, जो भी ये सेल्स है ना, यहाँ हमें सेल्स में कुछ भी टाइप नहीं करना है, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर यन टाइप कर देते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर, या तो फिर 0 टाइप कर देते हैं, तो आपको यह नहीं करना है कुछ, आपको इसी रो में आपको टाइप करना है, और मान लीजिए फिर हम थर्ड जो भी हमारे तीसरे स्टूडेंट है हम उसकी तरफ आ जाएंगे, तो उसको कितना मिला है 30 out of 29, और मैथ्स में कितना मिला है 27, और फिर मान लीजिए काजल एबसेंट है, तो हम यहाँ पर एन करेंगे और यहाँ पर भी एन करेंगे, और यह सभी फिल कर, तो आप इसी प्रकार से यहाँ पर फिल कर लीजिए इसे, इसे फिल करने के बाद आप यहाँ पर जो भी प्रेजेंट का ऑप्शन दिया हुआ है आप उसे केयरफुली फिल कीजिए, और यहाँ पर फिल करने के बाद अब हम इसकी CSV कॉमा डेलिमिटेड फाइल कैसे बनाएंगे। हाँ फिर आप CSV कॉमा डेलिमिटेड फाइल बनाने के पहले आप क्या कीजिए, आप इसे जो भी फाइल है आपकी एक्सेल की, आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और रीनेम कीजिए, रीनेम पे क्लिक कीजिए, तो यह पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट होने के बाद आपको रीनेम नहीं करना है, फिर से इस पे राइट क्लिक किया, आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबा के, या तो फिर इस पर राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ से हमने इसे कॉपी किया और इसे क्लोज कर दिया, फिर से हमने अपनी एक्सेल फाइल ओपन की, फाइल में गए, सेव एज पे क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक करने के बाद हमने इसे यहाँ पर पेस्ट किया, ये देखिए ओके, और यहाँ पर सेव एज टाइप हमने यहाँ पर CSV कॉमा डेलिमिटेड पे क्लिक करना है, और इसे यहाँ पर हम अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, सेव, और यहाँ पर हम यस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी हम इसे डोंट सेव कर देंगे, तो यह देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पर CSV कॉमा डेलिमिटेड की जो फाइल है वह बन चुकी है, कि देखिए, और उसमें CSV कॉमा डेलिमिटेड की फाइल यह होती है कि उसकी पहचान होती है कि जो एक्सेल फाइल का आइकॉन होता है वह यहाँ पर ए लिखा होता है ओके, और आप इसे क्या कीजिए यहाँ पर अपलोड बेसलाइन पे जाकर यहाँ पर इसे अपलोड कर दीजिए, कि देखिए अब यहाँ पर अपलोड स्टेप 1 आएगा, और यह प्रोसेस खत्म होने के बाद अपलोड स्टेप 2 आएगा, तो आप इसी प्रकार से आप इसे अपलोड कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने एक नए वीडियो के साथ।